हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ दी बाइबल को डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी को डिस्कस किया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल को किंग जेम्स वर्जन और किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है ऑथराइज वर्जन ऑफ दी बाइबल क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है एंड ये ट्रांसलेशन इंग्लैंड के चर्च के लिए किया गया था 1604 में इंग्लैंड के किंग जेम्स ने अपने किंगडम के धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए एंड अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाइबल का एक नया ट्रांसलेशन करने के लिए ऑर्डर दिया इस ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल के लिए ऑर्डर्स 1604 में ही दे दिए गए थे लेकिन ये बाइबल 1611 में पब्लिश हुई थी ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल किंग जेम्स की वजह से पब्लिश हुई थी इसीलिए इस बाइबल को किंग जेम्स वर्जन एंड किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है किंग जेम्स वर्जन में टोटल 80 बुक्स हैं 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट्स की हैं ओल्ड टेस्टामेंट्स यानी कि बाइबल का फर्स्ट सेक्शन जिसमें अर्थ के क्रिएशन के बारे में बताया गया है 14 बुक्स एपोक्रिफा की हैं एपोक्रिफा यानी कि वो बुक्स जिन्हें बाइबल की ऑथेंटिक बुक्स नहीं माना जाता है यानी कि वो बुक्स जो जेनुन नहीं मानी जाती हैं उन्हें एपोक्रिफा कहते हैं एंड ट्वेंटी सेवन बुक्स न्यू टेस्टामेंट्स की हैं न्यू टेस्टामेंट्स यानी कि बाइबल का सेकेंड सेक्शन जिसमें जीजस की टीचिंग्स के बारे में दिया होता है एंड उन इवेंट्स के बारे में दिया होता है जो फर्स्ट सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में हुए थे तो गाइस टोटल 80 बुक्स हैं किंग जेम्स वर्जन में या ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल में जिसमें थर्टी नाइन ओल्ड टेस्टामेंट्स की हैं फोर्टीन एपोक्रिफा की हैं एंड ट्वेंटी सेवन बुक्स न्यू टेस्टामेंट्स की हैं इंग्लिश कल्चर में किंग जेम्स वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर ने सबसे पहले किंग जेम्स वर्जन प्रिंट किया था जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर ये दोनों किंग जेम्स के प्रिंटर्स थे जनवरी 1604 में किंग जेम्स ने हेम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस में बैठक करी वहाँ पर यह प्लान किया गया कि एक नया इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाएगा बाइबल का क्योंकि पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ कमियाँ थीं इसीलिए ये यह प्लान किया गया था किंग जेम्स ने ट्रांसलेटर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि, कि किस तरह से बाइबल का न्यू वर्जन तैयार करना है इस न्यू वर्जन का ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर्स के सिक्स पैनल्स ने मिलकर किया पैनल यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप जिसे किसी खास पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया हो तो गाइस इस न्यू वर्जन बाइबल को सिक्स पैनल्स ने मिलकर ट्रांसलेट किया था इस पैनल में जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो बाइबल के स्कॉलर्स थे इन सिक्स पैनल्स ने अपने वर्क को आपस में डिवाइड कर लिया ओल्ड टेस्टामेंट की रेस्पॉसिबिलिटी थ्री पैनल्स को दे दी गई एंड न्यू टेस्टामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पैनल्स को सौंप दी गई एंड एपोक्रिफा की रेस्पॉन्सिबिलिटी वन पैनल को दी गई न्यू टेस्टामेंट्स ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए ओल्ड टेस्टामेंट हैब्रियो लैंग्वेज से ट्रांसलेट किए गए एंड एपोक्रिफा ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से ट्रांसलेट किए गए इस बाइबल के वर्ड्स एंड फ्रेसिज से इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा एंड इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इस ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल में जो शानदार ताल है उसने आर्टिस्ट पोइट म्यूजिशियन एंड पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया किंग जेम्स वर्जन सबसे ज़्यादा फेमस ट्रांसलेशन है एंड ये बुक सबसे ज़्यादा प्रिंट हुई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक रिकमेंड करना चाहूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं आपको इस बुक में इंग्लिश लिटरेचर की ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर मिड ट्वेंटी सेंचुरी की हिस्ट्री मिल जाएगी एंड ये बुक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है सो so गाइज हम ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफॉर्मेशन मोमेंट के बारे में पता है अगर नहीं पता है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ इट इज़ हेल्पफुल देट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू